बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने जुमान में रखे। आज हमारे किचन में बनने जा रही है जलेबी। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हमने शीरा बनाना है। इसके लिए हमने ये 2 कप शुगर ली है, इसमें 2 मैंने सब्ज़ इलायची ऐड की है। इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसमें हम 1 कप जो है वो पानी का ऐड करेंगे। हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये थिक हो जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। जब तक हमारा शीरा जो है रेडी होता है, अभी तक ये थिक नहीं हुआ इतना ज़्यादा, जब तक ये होता है तब तक हम ये ईस्ट को हम प्रोसेसिंग ईस्ट की कर लेते हैं। ये देखिए, हमने 3 टेबलस्पून मैंने पानी लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून मैं शुगर ऐड करूँगी, 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें ईस्ट ऐड की है। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके तो इसके ऊपर कवर दे के 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा शीरा भी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ठीक है, या खुद ही पता चल जाएगा कि ठीक हो रहा है। ये देखिए, अच्छे से इसमें शुगर भी मिक्स हो गई है और ये कलर भी इसका चेंज हो रहा है। ये देखिए देखिए, जब लास्ट ड्रॉप जो है वो लेट से गया तो इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। देखिए, हाँ जी, ये हमारा डन हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और ईस्ट के फूलने का वेट करते हैं। ये देखिए, ईस्ट जो है हमारा फूल चुका है। अब हम जो है जलेबी की तैयारी करते हैं। लेट्स गो। ये 1 कप मैदा है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून बेसन, पिंच ऑरेंज कलर इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून देसी घी इसमें ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ईस्ट ऐड करेंगे। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसके साथ साथ उसी ईस्ट वाले कप में, क्योंकि अगर अच्छी लगी होती है, आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लें। ये देखें, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ऐसे मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह। इसको ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना है ना बहुत ज़्यादा थिक बनाना है, नॉर्मल इसको टेस्ट में हमने कन्वर्ट करना है। ये देखें, देखिए फ्रेंड्स, ये पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरह ना ज़्यादा थिक होए ना ज़्यादा पतली होए। अब इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर मेरे पास ये बॉटल है, इसके अंदर डाल के इसके ऊपर कवर है, फिर इसके साथ हम जो है जलेबी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट 15 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसको इस बॉटल में ऐड करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाला है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप सिर्फ ऑयल से भी इसको फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने बोतल रेडी कर दी है। अब थोड़ा सा ये ऑयल अच्छे से गर्म होए तो फिर हम इसमें डालेंगे। हम थोड़ा सा डाल के चेक कर लेते हैं कि आया ऑयल गर्म हो चुका है। हाँ जी, ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम डालते हैं। बिस्मिल्लाह, देखिए हम एक और भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह,
इसको हम टर्न करते हैं। कोई भी शेप ऐसे आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपकी परफेक्ट आए। देखिए किस तरह फूल रही है। अब ये यहाँ से फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको शीरे में ऐड करेंगे। शीरा हम इधर रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो जो रेडी होती जा रही है हम उसको निकाल के उसको हम शीरे में ऐड करते हैं। ये देखिए ये वाली हमारी डन हो चुकी है। देखिए इस तरह शीरे में थोड़ी देर इसको रखना है। इसको भी निकाल के शीरे में डालें। इसको भी ये ऑलमोस्ट सारी जो है वो डन हो चुकी है। अब हम इसको शीरे में ऐड करते हैं। अब शीरे से निकाल के इसको डिश आउट करेंगे। ये इसी तरह हम जो बाकी मिक्सचर है वो भी हम इसी तरह रेडी करते हैं। मैंने और डाल दिए तो साथ साथ टर्न करते जाएँ ताकि दूसरी साइड से जले ना। इसको भी हम शेयर में डिप करेंगे। देखिए फ्रेंड, जलेबी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत प्यारी खुशबू है, सही क्रंची बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है घर की। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।